गुरुपौली गांव के अन्य महोत्सवों में उपस्थित ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि रूप में उनके पति रमेश कुमार जी, कन्या पूर्वाधिक विद्यालय के श्री राधेश्याम जी, ग्राम पंचायत के समस्त उपस्थित सम्मानित सदस्यगण, गांव के प्रमुख समाज सेवी शिव कुमार मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भरी समस्त सम्मानित निवासियों, आज का यह कार्यक्रम अन्न महोत्सव जो कोरोना जैसी बीमारी दो साल से पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में फैली हुई है, धरती के कोने कोने में कोई भी ऐसा देश नहीं बचा प्रधान जी बैठने जहां इस बीमारी ने अपनी चपेट में न लिया हो, लोग बेरोजगार हुए। आपका बेटा अगर पुणे में नौकरी कर रहा था, बंबई में नौकरी कर रहा था, कलकत्ता और दिल्ली में नौकरी कर रहा था, तो इस बीमारी से बचने के लिए वहां से किस तरह भागा, कुछ ने अपना सामान छोड़ा, कुछ ने अपनी दिहाड़ी छोड़ी और पूरे देश में एक भगदड़ जैसी मच गई। मरा तो पुत्र लाश लेने नहीं है। जैसे ही समस्या की शुरुआत हुई, समस्या के समाधान के लिए तुरंत कदम उठाया गया। सबसे पहले लॉकडाउन, फिर आपके आने वाले बेटे बेटे होम कोऑर्डिनेशन, गांव के स्कूलों में रुकने की व्यवस्था, तहसील मुख्यालयों में रुकने की व्यवस्था की गई, खाने पीने की व्यवस्था की गई। जब आप बेरोजगार हुए, मनरेगा का काम बंद हुआ, खेतों का काम बंद हुआ, तो आपको पिछले साल भी करीब 6-7 महीने तक फ्री में अनाज दिया गया, गेहूं चावल 9 महीने तक दिया गया। इस साल भी अभी आपको नवंबर तक दिया जाना है, आवश्यकता पड़ी तो और बढ़ेगा। यह एक जागरूक सरकार ही कर सकती है, जागरूक प्रधानमंत्री और जागरूक मुख्यमंत्री ही कर सकता है। वो किया, कोरोना का कोई इलाज नहीं था, पूरे विश्व में कोरोना का कोई इलाज नहीं था। जो हमारे पास परंपरागत दवाइयां थी जुकाम बुखार इत्यादि की, उन दवाइयों से किसी तरह इलाज किया गया, हजारों लोग मरे, मैं तो समझता लाखों लोग करोड़ों लोग मरे पूरे विश्व में। लेकिन हमारी सरकारों ने इसको, इस बीमारी को नियंत्रण करने का भरपूर प्रयास किया, इलाज फ्री करवाया, आपके घर तक आपको पहुंचाया, और आप बेरोजगार हुए तो आपके खाने की भी व्यवस्था किया। खाना तो अभी भी फ्री मिल रहा है पूरे देश में, करीब पूरे उत्तर प्रदेश में, खाली उत्तर प्रदेश में, देश की बात छोड़िए, जहाँ की आबादी करीब 5 करोड़ है, वहाँ 15 करोड़ लोगों को फ्री में गेहूं और चावल मिल रहा है। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोरोना का टीका फ्री है, कोरोना का इलाज फ्री है, कोरोना की जांच फ्री है। अब जरूरत है जहां टीका लग रहा हो वहां हम लोग चिंता करके जाएं, स्वयं जाएं, जिस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण होना है उस आयु वर्ग के लोग जरूर टीकाकरण करावे, अपना उनको एक स्लिप मिलती है, उस स्लिप को सुरक्षित रखें। बचाव के लिए जो व्यवस्था है, दूरी बना के रखे, समय समय पर हाथ धोए और
मास्क लगावे। अगर ऐसा हुआ बीमारी का इलाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है बचाव। अगर हम बचाव कर रहे हैं तो बीमार हो गए नहीं करेंगे, और जब बीमार नहीं होंगे तो हमें इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आप सबसे निवेदन है सरकार की तरफ से, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग टीकाकरण पर सबसे ज्यादा ध्यान दें, टीकाकरण करावाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने घर के आसपास अपना हाथ जरूर धोएं, और सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखें कि आप संक्रमित न हो। अगर संक्रमित हुए तो फिर थोड़ा मुश्किल पैदा हो जाता है। अब संक्रमण का बचाव केवल है हाथ धोना, मास्क लगाना, दूर दूर बैठना। अगर कहीं खांसी के, जुखाम के ऐसी या हल्का बुखार के लक्षण समझ में आवे तो अस्पतालों में जांच की तुरंत फ्री व्यवस्था। आप लोगों को गेहूं चावल दिया जा रहा है उसका सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग न करें, क्योंकि निश्चित रूप से समय सीमा तक इसको मिलना है। आप इकट्ठा रखेंगे जो जिसके यहाँ बच जाए उसको बचा के रखिए, उसको अनावश्यक दुकानों में न भिजवाइए, वो बिकने न पावे। मान लीजिए नवंबर तक मिलना है, आगे हो सकता है सरकार योजना न बढ़ावे। सरकार के पास भी एक सीमा है, न बढ़ावे तो फिर आगे आपके लिए महीने दो महीने के राशन की व्यवस्था बनी रहे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो प्रयास रहा वो पूरे विश्व में सराहा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो प्रयास रहा, जो व्यवस्था रही, जो उन्होंने रोग पर नियंत्रण किया वो पूरे विश्व में सराहा गया। ऑस्ट्रेलिया ने सराहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति अगर हमको मिल जाता तो हम कोरोना को कब को जो है कंट्रोल कर लिए। तो कोरोना के कंट्रोल के लिए बीमारी जो फैली उसको कंट्रोल में मुख्यमंत्री जी का जो सब प्रयास रहा उससे हम सब लोग पूरी तरह से सुरक्षित है। ईश्वर की कृपा है, मां रूपा देवी की कृपा है, काम पर भगवान की कृपा है कि हमारे जिले में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं रहा। अभी यमुना पार चले जाइए, कोई ऐसा गांव नहीं रहा जहां कोरोना से 10-5 लोग न मरे। देखिए हमारे जिले में अगर कहीं कुछ रहा है तो शहरी क्षेत्रों में राजापुर में 10-15 लोग मरे, 40-50 लोग करवी के आसपास मरे, और देहात क्षेत्रों में इसका प्रभाव बहुत कम रहा। उसका कारण हम सब लोग सजग रहे, हम सब लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखे, साफ सफाई का ध्यान रखे, अब भविष्य में भी यही करें। और आने वाले 2022 के चुनाव में आप सबसे निवेदन है कि एक बार पुनः योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनावे, भारतीय जनता पार्टी को ये कमल निशान पर अपना वोट दे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जब भी कभी भगवान न करे ऐसा हो, जब भी कभी आप इस देश उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, इस देश की जनता जब कभी भी इस तरह की विपत्तियों में आएगी तो ईमानदार सरकार निश्चित रूप से इस बात का पूरा प्रयास करेगी कि आपको, इस देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को किसी प्रकार का संकट न हो, कोई अनाज की वजह से न भूखों न मर नहीं पावे, किसी को इलाज की दिक्कत न हो। तो ऐसी स्थितियों में आप सब लोग आने वाले समय में ये भी ध्यान रखें कि हमें आखिर किस विषम परिस्थिति में किसने हमारा साथ दिया है और हमें आने वाले समय में उसका किस तरह साथ देना है, यही मुझे कहना है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और निश्चित रूप से बहुत जल्दी सितंबर से विद्यालय खुलने वाले, सब लोग अपने अपने बच्चों को सुबह तैयार करके नहला धुला करके स्कूल जरूर भेजो। स्कूल न भेजना ये आप लोगों की सबसे बड़ी कमी है। स्कूल अगर बच्चों को आप नहीं भेजेंगे तो ये 15 किलो 20 किलो गल्ला के लिए हमेशा घूमते रहेंगे, ये आप समझ लीजिए। बच्चों को स्कूल भेजिए, आप तो देखिए बिजली के ऊपर भी 20-22 घंटे है, और लगभग मैं समझता हूँ हर घर में बिजली जलती है। बल्ब जलाइए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उनको आगे ले जाइए। धन्यवाद। जय हिंद।